व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट ट्रिगर्ड। इंसान फाइनली मिलने वाले हैं डीजे मृणाल पे, जहरीला आदमी। ओ भैया, जो काफी स्टोरीज भी आ रही थी, मैं समझ गया था या तो रोस्ट आएगा या कुछ ना कुछ, तो मेरे हिसाब से कोलैब होने वाला हल्का समय लाके दिखा था, जैसे ढिंचक पूजा के साथ नहीं एपिसोड वैसा। तो आई फेस ऑफ अगेंस्ट बीटीएस मेंबर डीजे मृणाल टी विद ट्रिगर्ड इंसान एपिसोड 3। मजा आएगा, करते हैं शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी छिपकली हुआ करती थी, जो अच्छे से अच्छे गाने को निचोड़ मरोड़ के उसका बैंड बजा देती थी। इस इच्छाधारी छिपकली ने इंसानियत पर बहुत जुल्म ढाए, बार बार, लगातार, कई सालों तक। लेकिन एक दिन इस इच्छाधारी छिपकली ने एक गलती कर दी। तो मैं अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था, लेकिन एक दिन सुबह उठते ही मैं देखता हूँ ट्रिगर इंसान और बीटीएस दोनों ही फट्टू के फट्टू ही इंसान है। और ट्रिगर तो मुझसे पूरा ही डर गया। मुझे पता है कि वो मुझसे पूरा डर गया, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि दिल में इच्छली नागिन, इच्छली नागिन, नागिन मुझसे कभी फेस वेस नहीं आ पाएगा। वो बुरा फट्टू इंसान है, फट्टू इंसान। फेस टू फेस ये इच्छाधारी छिपकली मुझे चैलेंज कर रही थी। Are you serious? वक्त आ गया है अब इस इच्छाधारी छिपकली को रोकने का, वक्त आ गया है इसको चुप कराने का, वक्त आ गया है फेस ऑफ का, बिकॉज डीजे मृणाल चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी मजा आएगा। डीजे बॉबी से भी जो ना हो पाया कमाल, वही धूम मचाने आ रहे हैं डीजे वाले बाबू, डीजे मृणाल। एक कहानी जो सबको सुनानी है, इनकी बीबी को मैंने ही पता नहीं है। एक कहानी जो सबको सुनानी है, इनकी बीबी को मैंने ही पता नहीं है। इनको क्या पता, मैंने कड़ी कितनी मेहनत, सारी बातें सुन रहा मैं पूरा से, मत सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुला दिया। इनको बीबी तो मैंने ही पता यार। चलिए शुरू करते हैं। गजबादी भैया, सिर चिकमरिया मोरी, हाय हाय हाय, उड़ती नजरिया मोरी, होय 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 होय। क्या होता है, हाय हाय होता है? नहीं नहीं, ये होय होय दिनमल का स्टाइल भाई। हाय हाय से याद आया। हाय गाइस, वेलकम टू टी विद ट्रिगर्ड, कॉफी विद करण हो सकता है, तो टी विद ट्रिगर्ड क्यों नहीं। तो आज हमारे साथ हैं ढिंचक पूजा के कोई रिश्तेदार उनके। हाँ, मैं उसका एक्स हस्बैंड हूँ। ये एक सिंगर है, रैपर है, कॉमेडियन है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस एक्सपर्ट है, जिम की एक्सरसाइज वाली वीडियोस बनाते हैं। मैं तो कहूंगा ये बंदा यूट्यूब का हिमेश रेशमिया है, डीजे मृणाल। सारे तालियां मारो, चलो और मुंह से आवाज निकला ऐसा, तो वही से मुझे आइडिया मिल गया और मैं बुच्चू बुच्चू निकल गया। बोलो जुबा के, एक्चुअली बोलो जुबा के। अबे क्या भाई, टिकट भाई देखती मुद्दिया, अरे पीक चला दी तूने अपनी। A few inches later, ये जूस वाले हादसे के बाद I have decided कि अब से इस शो का नाम टी विद ट्रिगर्ड की जगह ट्रिगर्ड का जूस होगा। हंस क्या रहे हो सालो, तुम्हारी सोच ही खराब है। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। एनीवेज गाइस, तो मैं कह रहा था हमारे साथ है वो इंसान जो कि एक जीता जागता सबूत है कि कॉमन सेंस इतनी भी कॉमन नहीं है। आप ही कोई और का बात कर रहे हो। तो गाइस, इससे पहले कि हम डीजे मृणाल के बारे में और जाने, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरा इनसे जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो मैंने सबसे पहले आपका गाना शायद पसूड़ी सुना था। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जनता को भी वो गाना सुनाई दो। अभी अभी इसी वक्त। 2 1 स्टार्ट। आग लगा मुझ बुच्छ मुन्नी नो मर्ज मां तोड़ के बसे नो तेरे बड़े हाँ तेरी फिर जाऊँ मैं फोड़ दे नो नावच बावच फोड़ दे दिक्कत ना दे फोड़ दे नो ना वे मेरे दोल तो लया नी अरे बुच्छ बुच्छ कर दे नी वो आ जावे दिल तेरा गुलगुला से गुलगुलु बिच्छू गुलगुला से गुलगुलु गुलगुला से। वैसे कमेंडेबल बात है भाई, हर बार जब गाना गाता है ना कोई अलग गाना होता है वो, क्योंकि लिरिक्स कुछ भी होते हैं, कभी गुड़ू गुड़ू होते हैं, कभी बुच्चू बुच्चू होते हैं, कभी पुच्चू पुच्चू कुछ भी गाते हैं। तो मुझे ये बताओ डीजे मृणाल भाई, आपने अपने नाम के सामने ये डीजे वर्ड कैसे लगाया, मतलब ये क्यों? क्योंकि हर रैपर का ना अलग अलग सा सिग्नेचर रहता है, जैसे कि बादशाह का इट्स योर बॉय बादशाह, हंसिंग का यो यो हंसिंग, वैसे ही डीजे मृणाल का थोड़ा यूनिक वाला, मृणाल के सामने डीजे, मृणाल के बाद रैपर, डीजे मृणाल रैपर, बुच्चू बुच्चू बुच्चू। अच्छा
तो मिनरल भाई आप मेरे को ये बताइए, दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, हाँ जी, कोरोना, पॉल्यूशन और भी बहुत सारी है जिनका हम नाम नहीं लेंगे, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं थोड़ा सा रहम खा लेता हूँ दुनिया वालों पे, गाने नहीं बनाता? नहीं, क्यों रहम खाऊं? तो मिनरल भाई अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सुबह से चार बज गए आपके इधर पहुंचते-पहुंचते। सुबह से शाम लग गया यहाँ तक आते आते। हाँ जी। मैं वैसे आपके करियर की जर्नी पूछ रहा था, ये नहीं कि आपको यहाँ तक आने में कितनी मेहनत लगी। ओहो, अच्छा अच्छी बात है। बताओ अब सोच कर रहे हो? एक दिन का बात है, जब लॉकडाउन, पूरा दुनिया में लॉकडाउन लगा। बस बस बस, बेरोजगारी पूरा, सुन लीजिए। अच्छा सुना दो भाई। तब मैं एमए सोचा क्यों ना कुछ अलग कर लिया जाए, तो मैं गया कुछ रिसर्च करने अमेज़न जंगल। रिसर्च करने अमेज़न चले गए अफ्रीका? अच्छा, तो वहाँ पर जाकर मुझे एक ऐसा नजारा दिखने को मिला की जंगली चीज, एलियन जैसा लोग, तो उसका नाम है वाला। तो उसको मैं लेकर आया और मैं सोचा क्यों ना उससे थोड़ा कंटेंट निकल लिया जाए, तो उससे थोड़ा कंटेंट निकल लिया। आपका यही वल्गर नाम वाला जो दोस्त है, आप 3 वीडियोस बना चुके हैं कि मैंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। हाँ जी, मैंने आपके दोस्त को जो कि एक मेल है उसको गर्भवती कर दिया है। और उसकी शक्ल देखी आपने? शक्ल है भी नहीं, एक शरीर के ऊपर बालों का गुच्छा है। उस इंसान को, आई मीन एलियन को, मैंने गर्भवती कर दिया, आपने ऐसा बोला है, क्या चल रही है? उसने मुझे बताया कि आपने उसको प्रेग्नेंट किया, तो उसने आपको बोला मैंने प्रेग्नेंट किया उसको, तो आपने मान लिया? मानना तो पड़ेगा ना। क्यों? उसने बोला था वो लड़की है ना, तो इसलिए। वो लड़की तो है ही नहीं, वो तो लड़का है या फिर कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता वो क्या है। नहीं, उसका बाल लंबा है ना, तो वो लड़की होगा ना। लंबे बाल है तो लड़की है? हाँ। ये मेरा डायरेक्टर है, इधर आइयो भाई, इसके भी बाल लंबे है, इसकी भी छोटी है, इसको भी लड़की मान लेगा शायद, मे बी। अबे यार, अरे उसने मुझे बताया कि वो आई मीन उसका पति चाहिए, ये आपके लिए रो रहा है, ट्रिगर मुझे ला दो, ट्रिगर मुझे ला दो, तो इसलिए। ट्रिगर बच्चा है भाई, चुप क्यों? नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं बोलूँ क्या भाई, आई एम स्टंट। तो मिनरल भाई, आपने जो है BTS जो है उनके भी गानों के रीमेक करे हैं, तो हमारे पास ना एक हार्ड कोर BTS फैन है, मैं चाहता हूँ इस हार्ड कोर BTS फैन को आप अपना BTS वाला गाना सुना दो। ओके, तो रेडी हो जाइए अपना कान खोल के। चलो भाई चलो शुरू करो। क्या गाया है यार, मजा आ गया, कैसा लगा? बटर का जो गटर किया है ना, गटर लग रहा है ये हाँ। सुनने के बाद क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, BTS वाले गाने बनाने कान से खून आ जाएगा, कान से खून आ जाएगा, क्या हो गया? बढ़िया तो गाया है। अब जाओ यार, अब जाओ, आपको कला की वो है ही नहीं है। हाँ, तो रनाल भाई, मैं कल अपने एयरपॉड्स पे ना आपके गाने सुन रहा था। जी। मैंने बहुत देर कोशिश करी, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दिया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे एयरपॉड्स पे नॉइज कैंसिलेशन फीचर था। तब मुझे समझ आया कि जिंदगी में शांति भी जरूरी है। तो भाई, तो अब अपने पूरे वीडियो पे हा करके हंसते रहते हो, सस्ते बट हो क्या? आपको पता है, आप दुनिया के वो पहले राइटर हो जिसको मैं चाहता हूँ राइटर्स ब्लॉक हो जाए। अच्छा, आप अपनी वीडियो ना गलत प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, आपको YouTube पे नहीं रिसाइकल बिन में डालना चाहिए। आप एक बहुत ही महान गीतकार, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा महान गीतकार, संगीतकार, लेखक बन सकते थे अगर आपको पता होता कि गानों में लिरिक्स लिखे जाते हैं। बेफालतू की आवाजें तो तुषार कपूर भी निकाल लेता है। आई तो क्रिकेट भाई, मैंने देखा कि आपका जो व्यूज बहुत ज्यादा पहले से घट चुका है, बहुत कम हो गया भाई। बच्चे तो आजकल आपके वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उनका CBSE बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा। आप अपना वीडियो अपलोड करने से पहले CBSE बोर्ड का एग्जाम भी चेक कर लिया करिए। हाँ भाई, आजकल कैलेंडर देख के वीडियोस अपलोड करता हूँ, व्यूज नहीं आते ना। सही कह रहा है भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया तूने मुझे। आपको पता है आपने पसूरी का रीमेक करा था? पता है, हर एक मास्टरपीस के ना एक सस्ता वर्जन होता है, एक वो कोक स्टूडियो वाला, एक आपका चोक स्टूडियो वाला।
मुझे ये लगता है कि ट्रिगर और विजय मौलिया में बस फर्क ये है कि विजय मौलिया देश का बैंक लूटा था और ट्रिगर बच्चों का पिगी बैंक लूट रहा है। ओ भाई विमल दियो भाई, ये तुम्हारे लेकर आया हूँ। विमल की चटनी, विमल की रोटी, विमल की टट्टी सब खा चुके हो। एक काम करो, आज विमल के नैचोस खा के दिखाओ मेरे को। चलो तो रहा ये विमल, मैं उसे खोलना भी पड़ता है। ओ ठीक ठीक है, तो मैं खोल रहा हूं। रहने दे भाई, रहने दे, सच्ची में शुरू हो गया था। बोलो चुबा के इंसान इतना भोला है, इतना भोला है कि जब वो कोई एडल्ट फिल्म देखने जा रहे हैं ना, तो उनको अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अच्छा तुझे पता है, तेरी वीडियोस देखते हुए मेरे को इतना बुरा नहीं लगता। बुरा फील होता है मेरे को उस कैमरामैन के लिए जिसको तेरी हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ती है भाई। तुझे उसके लिए बुरा फील नहीं होता? नहीं, उसके लिए क्यों बुरा फील होगा मुझे? क्योंकि भाई तेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए भी हमको कितनी मेहनत लग रही है, वो कैसे करवा लेता है? उसको 150 रुपए दे देता हूँ तो इसलिए वो खुश हो जाता है। तेरे को 50,000 रुपए दे दिए, तूने क्या कर लिया? नहीं, उसको 150 रुपए दे देता हूँ, वो एक पैक खा लेता है, पूरा खुश हो जाता है, तल्ली होके। सही है भाई, यहाँ तो 50,000 भी वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। So guys, this was roast battle with DJ Mineral. DJ Mineral भाई, आपको मजा आया? बहुत ही शानदार लगा भाई, क्या शानदार लगा है इनको। अभी हम जाएंगे हमारी दूसरी सेगमेंट पे, जहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे हम मिनरल बाबू के साथ। Are you excited? Yes, bro. I'm very excited. अपने स्टाइल में चलो। तो अब हम खेलने वाले हैं 2 lies and 1 truth। आपको पता है क्या होता है? हाँ पता है मुझे। 2 झूठ बोलेंगे, 1 सच बोलेंगे, सामने वाले को गेस करना है कौन सा सच है कौन सा झूठ है। ठीक है, रेडी है? चले शुरू करें फिर। तो मैं पहले बताता हूँ आपको, ऑप्शन आपको गेस करके बताना है। हाँ बताइए। मेरा नाम हार्दिक पांड्या है। इनका नाम हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या है। दूसरा है, सारी लड़कियाँ मेरे पर फिदा होती है। सारी लड़कियाँ इन पर फिदा है। तीसरा है, मैं घर का अकेले बारस। तो पहला तो झूठ है, क्योंकि इसकी असम से टिकट मैंने ही बुक करी है, तो मुझे इसका असली नाम पता है। तो हार्दिक पांड्या तो नहीं है इसका नाम। दूसरा, दुनिया की सारी लड़कियां इस पे मरती है, ये सच हो सकता है। पीछे मेरी मैनेजर और टीम में जितनी भी सारी लड़कियां वो पीछे ऑलरेडी गिर चुकी है इसको देख के। इसके लिए तो गाना भी गाते हैं लोग। तीसरा, घर का इकलौता वारिस है, ये सच हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने एक आइटम के बाद सोचा होगा दूसरा नहीं चाहिए। तो ये भी सच हो सकता है, बट आई विल स्टिल गो विद सारी लड़कियां तुझ पे मरती है दुनिया की, ये सच है। नहीं, तीसरा वाला सच है। दूसरा वाला सच नहीं है, दूसरा वाला ही सच है भाई। दुनिया की सारी लड़कियां तुझ पे मरती हैं, तुझे नहीं पता पर मरती हैं। हां हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी बारी। ठीक है, ओके ओके। तो मेरे बारे में पहली स्टेटमेंट है कि मैं ऑटिस्टिक हूँ, मुझे ऑटिज्म है। पता है ऑटिज्म क्या होता है? वो तारे जमीन पर देखे। ओके, पता है, पता है। हाँ। दूसरा, मैं बचपन में सर के बल गिर गया था और दिमागी चोट लग गई थी, जिसका असर आज तक है। तीसरा, दुनिया की सारी लड़कियां मुझ पे भी मरती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है तुझे? सही लग रहा है। यू एक्चुअली थिंक कि मैं सर के बल गिर गया था और उसका असर आज तक है? व्हाट इज दिस बिहेवियर एट डीजे मिनरल? सबसे अलग, सबसे यूनिक। एलियन, यू आर कॉलिंग मी एलियन? नहीं नहीं, एलियन नहीं, सबसे यूनिक पर्सन थी। इज राइट एक्चुअली। मैं बचपन में सर के बल गिर गया था और दिमागी चोट लगी थी, आज तक असर है उसका। तो तुम जीत गए यार, कांग्रेचुलेशंस भाई डीजे मिनरल। अब सेलिब्रेशन में एक डांस तो बनता है। श्योर श्योर, चलिए आप भी चलिए। बढ़िया बढ़िया, करो करो। हाँ हाँ, कमरिया तेरा, हाय हाय हाय, तुम्हें कितना दिया तेरे, हाय हाय हाय, हो क्या पतलिया तमर के तुमने, हाय हाय हाय। ए लड़कियों, आके बंद करो। सारी लड़कियों ने आके बंद कर रखे। करो करो कंटिन्यू। दिलों का सूटर है मेरा क्यूटर, दिलों का सूटर, आ मुस्ताना मुझसे बड़ा क्यूटर, दिलों का सूटर, दिलों का सूटर है मेरा क्यूटर। बस कर भाई, बस कर, जीत गया भाई तू, जीत गया। ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मृणाल, आर यू रेडी? मैं तुमको चैलेंज देता है, पंजा चैलेंज। अगर तुमने मेरे को हरा दिया तो भी कुछ नहीं, मैंने तुमको हरा दिया तो पता नहीं। रेडी? यस यस, रेडी। चलिए, हरा सकते हैं तू मेरे को? हाँ, बीमो का पावर जो है ना मेरे पास। अच्छा, पान मसाला की शक्ति आ जाओ फिर हो जाए। चलिए काउंटडाउन दो भाई। 3, 2, 1 गो। ताकत तो है भाई पान मसाला में, या पर इतनी भी ज्यादा नहीं है। देखा बेटा,
इसीलिए कहते हैं पान मसाला चबाने से सेहत नहीं बनती, शक्ति नहीं आती। अब बोल कुछ, अब चुप क्यों है, अब बोलना। कुछ है नहीं, बताने को। तू तो बड़ा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर था, जिम वाली वीडियोस डालता था, पुशअप पुशअप मारता था। चलिए आपको पुशअप मारना सीखा। हाथ को ऐसे रखिए, हाथ को ऐसे फैलाइए और ऐसे अंदर में खींचो। ये पुशअप है, ये है रियल। तो गलत कर रहे थे, आपका पुशअप हो जाएगा। ये पुशअप था? हाँ, ये डिजिटल का पुशअप है। अरे तो कट करो भाई, अश्लील हरकतें करा रहा है पुशअप के नाम पे। All right guys, तो अब हम करने वाले हैं react on some cringe। मृणाल की बात नहीं कर रहा था मैं। Are you ready? Yes। भाई लड़का गुड का सामने इसलिए रो रहा है। गुड का सामने रखा होगा। दिस इज डीजे मृणाल, जब उसको विमल नहीं मिलता। मृणाल आज तुझे विमल नहीं मिलेगा। अब ढिंचक पूजा ने तेरे पे रिएक्ट किया था तो उस पे हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है? ये वीडियो देख के मेरे को बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है, डीजे मृणाल आज आंसर दे ही दे। ढिंचक पूजा या डीजे मृणाल, कौन ज्यादा क्रिंज है? ऑब्वियसली मैं ही हूं। Anyways guys, that was it for this video. I hope you guys enjoyed and if you did, make sure to like it. और तुझे कुछ कहना है? बुच्चू बुच्चू के अलावा? बुच्चू 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 रैपर जी, रैपर यार। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कर दे एक बार। Bye bye. दिन में रैपर यार, बुच्चू 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 बुच्चू। Thanks for watching. बढ़िया स्पोर्टिंग ले लिया डीजे मृणाल ने और मस्त है, जो जैसा दिखता है अपनी वीडियोस में। सही वाला, जिन जिन को रोस्ट किया है क्या ना उन्हें सबको बुला के टीवी ट्रिगर्ड वाला करके एपिसोड 3 था। मेरे को लगता है ये और कंटिन्यू होगी तो और मजा आएगा। प्लस सेगमेंट्स बनाई हुई, जैसे दो झूठ एक सच वाली हो गई, पंच वाला हो गया, रिएक्ट करने वाला हो गया। लेकिन तूने एक चीज देखी है, मेरे को मस्त लगता है वो जहाँ लिरिक्स नहीं आते ना वहाँ गुच गुच गुल 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 साहब दो ही लाइन पकड़ रखी है। और जो उसने नाच पीटा हुआ है, चाहे वर्कआउट वीडियोस बना के या फिर गानों का नाच करके, अलग है। कह रहा जैसे इट्स अ बॉय बादशाह है वैसे मेरा डीजे मृणाल। और लेकिन तूने एक चीज नोट करी, ट्रिगर उसका मृणाल नहीं, मिनरल मिनरल बोल रहा था, मिनरल बोल रहा था। और शूट अच्छा हुआ था, और जैसे फन छोटे छोटे क्लिप्स थे, जैसे वो लड़की को बुलाया, बोला कि ये बीटीएस की फैन है, आज कल सुनेगी, नॉस कर दिया। और लेकिन एक चीज मुझे लगा फॉरेनर है, जैसे उसने बोला ना कि जो तुमने नाला क्या बोला, गटर गटर कहा, गटर किया है ना भाई साहब, नॉस कर दिया। लेकिन स्पोर्टिंग लिया बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो बंदा जैसे दिखता है ना वीडियो वैसे ही है, पूरा खुल के मस्त, मतलब शाय फील नहीं करा उसने, जिस तरीके से वो पत्तली कमरिया मोरी उस पर डांस करा उसने, बोल दिया लड़कियां मुंह छुपा लो अपना, मतलब बंदा जैसा था ना अपने वीडियो वैसे था। अपनी जर्नी बताओ, कहता है इतनी देर लग गई पहुंचने में। कह रहा लाइफ की जर्नी पूछनी थी, अल्लाह की जोन में चल रहा। आई एम सो वीडियो देख के मजा आ गया। डीजे मृणाल के फैंस, सॉरी डीजे मिनरल के फैंस जो है कमेंट करके बता देना। और भैया डीजे मिनरल ओपी हो जाए, मतलब जो स्पोर्टिंगली उसने अपना जिस जो ट्रू उसकी साइड है वीडियो वैसे ही रखी, मजा आया। एंड आई एम श्योर आपको भी आएगा, तो कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। टेक केयर।